ताका क्लासेज की ऑनलाइन कक्षाओं में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका नरेंद्र सर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द शुद्धि के पार्ट तीन के बारे में। कल हमने दो पार्ट पढ़े थे दोस्तों, आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। जिसने नहीं पढ़ा वापस एक बार बैक में जाके देखें। मैंने उसके अंदर बताया था कि किसी भी शब्द को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध लिखने के लिए हमें उस शब्द को बार बार शुद्ध शब्द को देखना होगा, ना कि अशुद्ध शब्द को देखें। तो आप लोगों ने जितने भी मैंने जो एक्सरसाइज बताई थी, जो भी मैंने वर्ड बताए थे, वो आपने अच्छे से याद किए होंगे। आज हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर आपको बहुत धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो शब्द शुद्धि वाले विषय होते हैं दोस्तों, इसमें ये टॉपिक ही ऐसा है कि आता तो हर एग्जाम में है लेकिन ये बहुत बोरिंग होता है। तो उसे बस आप लिखते रहें, इंटरेस्ट इसमें पैदा नहीं कर सकते। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका अभ्यास करना होगा, जिससे आप एग्जाम में उसके शुद्ध कर पाएँ और अच्छे नंबर लेके आ पाएँ। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो शब्द हम लिखने जा रहे हैं वो होगा, जैसे मैं आपको जब बोलता हूँ, जब बोलते ही आपके मन में उस शब्द की छवि बन जानी चाहिए। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, कल मैंने लिखाया था, बताइए मिष्ठान में कैसे लिखा जाता है? मिष्ठान ऐसे लिखा जाता है, आपको याद होगा ये ट आएगा यहाँ पर, ठ नहीं आएगा, ठीक है? जिसको याद है बहुत अच्छी बात है। वैसे कनिष्ठ अगर मैं लिखना चाहूँ, कनिष्ठ कैसे लिखा जाएगा? साथ साथ उतारना शुरू करें, कॉपी पेन लेके बैठें, और मैं एक बार लिख रहा हूँ लेकिन आपको कोशिश करनी, लिखते ही चार या पांच बार साथ साथ में लिख दीजिए, ठीक है? तो कनिष्ठ आएगा या ठ आएगा, ध्यान रखना ठ आएगा, कनिष्ठ, ठीक है? जैसे आप कनिष्ठ सहायक के बनते हैं तो कनिष्ठ ऐसे लिखा जाएगा। वैसे ही एक शब्द और है वशिष्ठ, वशिष्ठ में व सी और आधा स और ठ आएगा, ठीक है? वैसे ही एक है कुष्ठ, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखने की जरूरत है आपको, इन तीनों में ठ आएगा, आधा स ठ, आधा स ठ, आधा स ठ, लेकिन मिष्टान में आधा स और ट आएगा, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है, मैं लिखता हूं जैसे धनाढ्य, तो धनाढ्य में क्या सही होगा? आप जैसे ही मैं बोलना शुरू करूं, वो आप मन में उसकी पिक्चर बनाए कि ये इसमें क्या आने वाला, ध ना, अब ये ड आएगा या ढ आएगा, तो ध्यान रखना है आपको ड से ढक्कन वाला ड, नीचे ये मात्रा और य। धनाढ्य में ड कैसे याद रखेंगे कि जो धनी लोग होते हैं तो हर चीज़ को ढक्कन से ढक्के रखते हैं, इसलिए ड नहीं आएगा और ढ आएगा। यहाँ पर अगर आप ड की पहचान कर रहे हैं, अक्सर ड आ सकता है तो गलत होगा, ड से ढक्कन से ढक्के रखते होंगे, ठीक है दोस्तों? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए, ये कई बार पूछा गया है, श्रुशुसा है, इस वर्ड का नाम श्रुशुसा, तो श्रुशुसा में कैसे आएगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है दोस्तों? इसे डबल टिक कर लीजिए, ये कई बार पूछा गया है और फिर से आने की संभावना है इसकी। आगे चले, आगे है जैसे आशीष, कई बार पूछा गया है, हालांकि इसे भी ध्यान रखने की जरूरत है, तो आशीष में आशीष ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ दोनों पे आप अंडरलाइन कर लेवें, पहले स ये वाला आएगा जो आपके स से सर्जम वाला है, और ये फिर स से षटकोण वाला, आशीष ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? दूसरा हम करते हैं यहाँ पर परिशिष्ट, प री सी ट, परिशिष्ट, ठीक है, उसे हाशिया कहते हैं हम, तो परिशिष्ट ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन अगर बात करें बलिष्ठ की, ब ली ठ, तो बलिष्ठ में ठ आएगा, ठीक है दोस्तों? अब हम लिखते हैं युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर अगर लिखना चाहें तो युधिष्ठिर में क्या आएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती होती है और ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा, युधिष्ठिर कई बार पूछा गया है, मैंने बताया था आपको, युधिष्ठिर में पहले ध्यान रखना युद्ध धन स्थिर, युद्ध धन, जब स्थिर ये शब्द दो जुड़ते हैं, है ना, तो ये बनता है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कैसे बनता है, यु धि आदश ठ र, युधिष्ठिर, आया दोस्तों समझ में, ये इंपॉर्टेंट कर लो आप। अब नेक्स्ट है रामायण, रामायण में ध्यान रखना रा मा य और न नहीं आएगा, ण आएगा, ठीक है? ये आपके संज्ञा में पूछा जाएगा, संधि में पूछा जाएगा, और संधि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है दोस्तों कैलाश, कैलाश कैसे लिखा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, के ला और स ये वाला आएगा, कैलाश में स ये वाला आएगा, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट चले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें, बस आपको लिखना है। नेक्स्ट है वांग्मय, वांग्मय कैसे लिखा जाता है, वा अंग म
और यह वांग्मय। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर वांग्मय में अंग आएगा, क ख क ग अंग, यहां अंग आ रहा है, ठीक है ना, वांग्मय ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है सन्यासी, सन न्या और सी, ठीक है दोस्तों, ये बिंदी यहां पर आधा न या सी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सन न्या सी, दोनों सी माने जाएंगे। नेक्स्ट ऊंचाई, ऊंचाई में दो चीज ध्यान रखने की जरूरत है, उ बड़ा आएगा और यहां पर चंद्र बिंदु आएगा, ऊंचाई ऐसे लिखा जाएगा। और ये सन्यासी कई बार पूछा गया, इसे आप टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट है आपका आशीर्वाद, ये इंपॉर्टेंट है, आशीर्वाद। अब आशीर्वाद में ध्यान रखने की क्या जरूरत है आपको, कि र की जो मात्रा है वो व पे आएगी। होता क्या है दोस्तों, जब र हम बोलते हैं इसको धीरे धीरे बोलना शुरू करें आप, जैसे आ सी र वा द, ऐसे बोलते हैं ना, आ सी र वा द, जब र यहां पर आधा आता है ना दोस्तों, तो वो हमेशा एक कदम आगे चलता है, तो कैसे चलेगा, यहां व पे चला जाएगा, तो ये यहां पर चला जाता है आशीर्वाद, ठीक है। नेक्स्ट है प्रादुर्भाव, प्रा दु, वैसे ही र र यहां कहां आ जाएगा, प्रादुर्भाव यहां आ जाएगा, प्रादुर्भाव, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट फिर लेते हैं हम, जैसे मैं बोलना शुरू करूं दर्शनीय, तो दर्शनीय में आपको पता होगा द स नी य, द र स नी य, र कहां आया है, द र, देखो वापस लिख के देखो, द र स नी य, तो आपको मैंने बताया कि ये एकदम आगे चलेगा दर्शनीय, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्रृंगार, तो श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, श्रृंगार बस इतना ही लिखा जाता है, श्रृंगार, यहां ध्यान रखने की जरूरत है, इसको अंडरलाइन कर दे, यहां आप जो श्रवण कुमार वाला पूरा कर देते हैं वो गलत है, श्रृंगार में नीचे लाइन नहीं आती, ठीक है, यानी कि ये वाला स्वर नहीं आता, ये श्रृंगार अगर आप कल्पना कर रहे हैं बिंदी के साथ में तो ये नहीं आएगा, ठीक है, श्रृंगार कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है गृहिणी, गृहिणी कैसे लिखा जाएगा, यहां पर ग्रह ये वाला नहीं आएगा, गृहिणी में ग्रह आएगा ये वाला, ग्रह ही और अणी। अब इसमें यहां पर ध्यान रखना पहला, ठीक है, कि मात्र यहां पर जो री है री आएगा ना कि र आएगा, दूसरा ही की मात्रा छोटी णी की मात्रा बड़ी। नेक्स्ट है श्रृंग, जैसे श्रृंगार है वैसे ही मैं सामने लिख रहा हूं श्रृंग, श्रृंग ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, ठीक है, आगे चलें, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये श्रृंगार भी आप इंपोर्टेंट कीजिए, दर्शनीय कई बार पूछा गया है, गृहिणी पूछा गया है, श्रृंग भी पूछा गया है, क्योंकि मैं आपको वही बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, और फिर बता रहा हूँ कि इसके अंदर आप कल्पना मत कीजिए कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग सामग्री मिलेगी, बस आपको तो इसके अंदर लिखते जाना है बार बार, जब इंटरेस्ट तो कब आएगा, जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तब आप कहेंगे हाँ सर अब अच्छा लगा कि वाकई में उस समय जो मेहनत की थी और वो मेहनत आज सफल हो गई। अनुग्रहित, अनु ग्र ही त, ठीक है दोस्तों, तो अनुग्रहित में आपने क्या ध्यान रखा, सबसे पहले तो नु की मात्रा छोटी आएगी, गृहीत ही बड़ा आ रहा है यहां पर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रत्यय, तो प्रत्यय में यहां री और ये त और यह वृत्य, ठीक है दोस्तों, जो मैं आपको तोड़ के बता सकता हूं वो तोड़ के बताऊंगा, निश्चित रहिए आप। एक और लेना चाहता हूं मैं, जैसे श्रृंखला, श्रृंखला सही कैसे लिखे जाएगी, श्रृंखला यहां यह श्रृंखला बिल्कुल सही है, श्रृंखला, आपने हमेशा पूरे सेवा वाली देखी है वो गलत है, ठीक है दोस्तों, आगे चले। अब मैं बोल रहा हूं अनुग्रह, अनुग्रह
आपको शुद्ध बोलना है, ग्रह है ये, ग्रह अनुग्रह है ना, गृह नहीं है, तो यहां पर ये वाला गृह नहीं आएगा, ठीक है, अनुग्रह ये नहीं आएगा, ये सही है। और जैसे ही अगर मैं बोलू जागृत, तो जागृत में भी ग कौन सा आएगा, जागृत में भी र आएगा, जागृत, ठीक है, री नहीं आएगा, जागृत आएगा। नेक्स्ट अगर मैं बोलू द्रष्टव्य, तो द्रष्टव्य में भी ये आएगा, द्र और आधा स ट आधा व, यह द्रष्टव्य। कई बार पूछा गया है अनुग्रह, आपको इंपोर्टेंट कर देना है, श्रृंखला भी कई बार पूछा गया है और द्रष्टव्य पूछा गया है। नेक्स्ट दोस्तों लेते हैं हम, बहुत ज्यादा पूछा गया है वो है ज्योत्सना, ज्योत्सना ज यो, अब आगे क्या बोल रहा हूं मैं, ज्योत्सना, तो आधा त फिर आधा स फिर ना, ये बिल्कुल ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट करना है, यहां से ध्यान रखना है। यहां पर क्या गलती होती है कि ज्योत्सना, तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, वो गलत है, वो गलत हो जाएगा, नहीं हमारा यही ठीक है, जैसे आधा स आधा त फिर आधा स और ना, ज्योत्सना। नेक्स्ट है दोस्तों उपर्युक्त, उपर युक्त, उपर्युक्त, ठीक है दोस्तों। एक जैसे मैंने बताया वैसे ही एक पुनरुक्ति के लिए देखो, आप पुनरुक्ति कैसे लिखा जाता है, पुन रु जो इसमें आएगा वो रु छोटा आएगा, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति में रु छोटा आता है। और वैसे अत्युक्ति एक और है, अत्युक्ति, अत्युक्ति कैसे लिखा जाएगा, अ आधा त यू अत्युक्ति, आया दोस्तों समझ में। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन शब्दों को आपको इतनी बार लिख देना है, इतनी बार लिख देना है कि जब एग्जाम में आए तो आपका कोई भी शब्द इनमें से गलत नहीं हो। आगे चलें, आगे है नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जैसे ज्योत्सना है इसको डबल टिक कर दो, इंपॉर्टेंट रहेगा, वैसे ही उज्ज्वल, उ आधा ज फिर एक और आधा ज फिर व और ल, उज्ज्वल। अब उज्ज्वल को भी आपको इंपॉर्टेंट करना है, और एक और है निरोग, नी रो ग, नी की मात्रा बड़ी आएगी, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कर दो इसे भी। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों तदुपरांत, त दू प रा त, अब इसमें दू पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये कई बार हमने सुना होगा कि त दो प्रांत है ना, तो त दो नहीं होगा, दू होगा। और वैसे ही सदुपदेश, स दू प दे स, ठीक है। अब सदुपदेश को अगर हम तोड़ना चाहें तो क्या होगा, सत दन उपदेश, ठीक है, ये त द बन जाता है, संधि का नियम लागू होगा यहां पर, और यहां पर ऊ की मात्रा लगी तो छोटा ऊ बन जाता है, तो ये क्या बना, सदुपदेश, ठीक है दोस्तों। जैसे ही तदुपरांत है तो ये भी क्या होता है, तत होता है दोस्तों, संधि का नियम लागू होता है यहां पर, तत उपरांत, ठीक है, तो ये द बन जाता है, पहले का तीसरा बदल जाता है, फिर यहां पर ऊ की मात्रा लगती है तो ये दू बन जाता है, फिर ऐसे ऐसे चलता है, त दू प रान त। जो मैं तोड़ के बता सकता हूं आपको, जो तोड़ने लायक है, अच्छे शब्द हैं, उनको मैं तोड़ के बताऊंगा आपको, निश्चित रहिए आप। नेक्स्ट है मनोहर, तो मनोहर कैसे लिखना है हमें, म नो ह र। अब यहां आपको मनहर में नहीं जाना है ना, कई बार हम या नो की मात्रा गायब कर देते, विसर्ग लगा देते हैं, वो गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर दे आप, एक है यावत जीवन, ठीक है, या व आधा ज आधा ज, ये पूरा ज सॉरी व न, या व जीवन, ठीक है, डबल टिक कर दो उसे। नेक्स्ट है लघुत्तर, लघुत्तर कैसे लिखा जाएगा, ल गु, ठीक है, त र, यहां पर ऊ की मात्रा बड़ी आएगी, लघुत्तर ध्यान रखना है आपको,
क्योंकि कैसे बनेगा, लघु, लघु में गु छोटा होता है, ठीक है, तन उत्तर, उत्तर दोनों जब मिलते हैं तो बड़े उ का निर्माण करते हैं, लघु उत्तर। नेक्स्ट है दोस्तों उच्छिष्ट, उ आदच्छ, छ, और यहां आधे छ के साथ ठ आएगा या ट आएगा, ट आएगा, दोनों पे ध्यान रखना है, आधा छ छ आएगा और ट आएगा उच्चिष्ट। नेक्स्ट निवरल, निर्वलंब, नी र व ल व, निरवलंब, ठीक है दोस्तों। यहां पर र की मात्रा ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है दोस्तों अंतश्चेतना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, अ न त, आधा न त, फिर आधा से आएगा, फिर चे त न, ये आधे से को आपको ध्यान रखना है, यहां आधा से जरूर आएगा। नेक्स्ट है पयपान, प य, ठीक है, फिर यहां विसर्ग, यहां आपको शिरोरेखा दोनों की एक नहीं करनी है, अगर शिरोरेखा एक करते हैं तो विसर्ग बीच में नहीं आ सकता, ठीक है, तो पय पान दोनों की शिरोरेखा अलग अलग होगी, बीच में विसर्ग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों षणमुख, ठीक है, तो आप षटमुख नहीं करेंगे इसे, स ण मु और ख, षणमुख, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों जैसे मैंने बताया था पय पान की तरह अंतश्चे, अंतसाक्ष, अंत और साक्ष्य, ठीक है, दोनों की शिरोरेखा अलग अलग होगी। नेक्स्ट है दोस्तों मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद में ध्यान रखने की बात क्या है, तो मन त्री, मंत्री में त्री छोटा आएगा, जब आप मंत्री परिषद लिखते हैं तो मंत्री में त्री छोटा आएगा, ठीक है, फिर परिषद, परि स और द, ठीक है, और द में आपके हलंत आ रहा है, परिषद। नेक्स्ट है योगीराज, योगीराज, ठीक है दोस्तों, वैसे ही प सी रा ज, इन दोनों को आप देख अच्छे से देखें, गी छोटा आ रहा है या पक्षी में छी, जो छी है वो छोटा आ रहा है, क्योंकि जब राज पीछे लगता है तो दोनों मात्राएं छोटी हो जाएंगी, योगीराज पक्षीराज। वैसे ही जब मैं आपको बताना चाहूँ जैसे कई शब्द होते हैं जैसे राज हुआ, ठीक है, जैसे जन हुआ, तो वहां पर आगे जो मात्रा होती है एक ही मात्रा वो छोटी हो जाती है, जैसे मुनिजन, मुनिजन में मुनि जन, मुनिजन में भी मात्रा छोटी हो जाएगी। दोस्तों ये जो नेक्स्ट है जैसे नवरात्रि, नवरात्रि हम खेलते नवरात्रि का डांडिया वगैरह है ना, तो नवरात्र, नवरात्र होगा या नवरात्रि होगी, ध्यान रखने वाली बात है, हमेशा नवरात्र होगा, नवरात्र, ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। वैसे ही दोपहर नहीं होता कभी भी, दोपहर होता है, ठीक है, दो जैसा शब्द नहीं है यहां पर, दोपहर, पहर कितनी, दो, ठीक है। अगर मैं बात करूं चक्रपाणी की, चक्र पाणी, तो पाणी में जो नी है वो छोटा आएगा और न नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा वो भी छोटा आएगा, यहां न नहीं लेने हैं आपको चक्रपाणी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल। मुझे आशा है कि जो भी मैं वर्ड जो बता रहा हूं आपको, आप पूरी तल्लीनता के साथ और एक अपना मनोबल बनाए रखें, क्योंकि यहां पर कोई आपको ज्यादा कोई नई बात या ऐसा कोई इंटरेस्टिंग बात सुनने को नहीं मिल रही, लेकिन हमें एग्जाम को इस तरह फेस करना है कि हमारे सारे सारे क्वेश्चन सही हो जाए। तो जो भी मैंने आपको पिछली तीन कक्षाओं में बताए हैं, आज तक की तीन कक्षाओं में ये जो शब्द शुद्धि हैं इनको आप पढ़िए, इनको आप बार बार रिवाइज कीजिए, आप यकीन मानिएगा कोशिश यही रहेगी मेरी कि मैं सारे इंपॉर्टेंट्स आपको परीक्षा की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट्स बनते हैं वो मैं आपको दे दूँ, ठीक है। तो चार में से अगर चार प्रश्न बनते हैं तो कम से कम तीन तो हमारी हमारे नोट्स में से ही बने, ठीक है, और मेरा विश्वास है कि कम से कम तीन तो बनेंगे बनेंगे, अगर चार में से चार बनते तो बहुत खुशी की बात है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।